राजधानी शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में तैनात पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमित हो गए और सोमवार को उनकी रैपिड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही उनकी पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। उधर डॉक्टर के संक्रमित आने के बाद अस्पताल के अन्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है डॉक्टर कुछ दिन पहले कर्मियों से मिले थे। डॉक्टर की पत्नी और बेटी को बुखार की शिकायत के चलते सोमवार को अस्पताल लाया गया था। उनकी कोरोना जांच कराई तो डॉक्टर और पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनकी बेटी का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया गया और एहतियात के तौर पर माता पिता का भी आरटीपीसीआर सैंपल लिया गया। इन सभी रिपोर्ट आने बाकी है। उधर 3 दिन पहले सोलन जिले में एक महिला डॉक्टर भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद पॉजिटिव पाई गई थी।